नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का बड़ा बयान, चीन को बताया अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा, चीनी नागरिकों के पास चीन लौटो या खुदकुशी का विकल्प। भारतीय रेलवे जल्द लगाएगा अपना सोलर पावर प्लांट, नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन का रखा लक्ष्य। और अब बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीनी सरकार की जासूसी और सूचनाओं की चोरी अमेरिका के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। रे ने आगे कहा कि चीनी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में उसने विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उन्हें वापस बुलाने पर मजबूर करने के साथ अमेरिका के कोरोना वायरस शोध को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी अधिकारी का यह भाषण ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच कोरोना महामारी और चीनी एप्लीकेशंस पर तनाव चरम पर है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना महामारी को लेकर चीन की आलोचना करते रहे हैं और सीधे तौर पर पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप भी चीन पर लगाते आ रहे हैं। इसी सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि भारत के बाद अमेरिका भी चीनी एप्लीकेशंस को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है। इन एप्लीकेशंस में टिकटॉक महत्वपूर्ण ऐप है। इस संदर्भ में पॉम्पियो ने कहा कि ये एप्लीकेशंस कम्युनिस्ट पार्टी की निगरानी करने वाली सरकार का जरिया है। FBI निदेशक ने आगे यह भी कहा कि चीन आर्थिक जासूसी कर रहा है जिसमें पैसे चुराना और राजनीतिक गतिविधियों जैसे कृत्य शामिल हैं। FBI निदेशक ने यह भी बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फॉक्स हंट नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत विदेशों में रह रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्हें सरकार के लिए खतरा समझा जाता है। चीन उनको वापस बुलाने के लिए चौंका देने वाले हथकंडे अपना रहा है। उन नागरिकों को दो विकल्प दिए गए, चीन लौटो या खुदकुशी करो। FBI निदेशक ने ऐसे व्यक्तियों से कहा कि वो FBI से संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ही भारतीय रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से भारतीय ट्रेनों को सोलर पावर से चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 2030 तक रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में यह पहल एक बड़ा योगदान हो सकता है। भारतीय रेलवे विश्व की ऐसी रेल ट्रांसपोर्टेशन संस्था बनेगी जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करेगी। सोलर एनर्जी से चलने पर भारतीय रेलवे पूरी तरह से हरित परिवहन का साधन बनेगी। आपको बता दें कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया गया यह दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें औपचारिक रूप से रेलवे को सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा। इस तकनीक में डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में बदलकर सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। मध्य प्रदेश के बीना में ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम पर आधारित विशेष संयंत्र स्थापित किया गया। इसके अलावा रेलवे लाइन के किनारे भी सोलर पैनल प्लांट लगाया जाएगा। गौरतलब है कि रेलवे की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि आधारित सौर संयंत्रों के निर्माण पर भी छत्तीसगढ़ के भिलाई और हरियाणा के दीवाना में भी ऐसी दो पायलट परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। और अब अंत में चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। अमेरिका ने औपचारिक रूप से खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग कर लिया है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 7 जुलाई 2020 को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर WHO से अमेरिका को बाहर कर लिया है, जिसकी जानकारी UN महासचिव को दे दिया गया। आपको बताते चलें कि ट्रंप सरकार ने कोरोना वायरस मामले में आरोप लगाया था कि WHO चीन के अधीन काम कर रहा है। साथ ही अप्रैल के महीने से अमेरिकी सरकार ने WHO को फंडिंग देना बंद कर दिया था। अब अमेरिका 6 जुलाई 2021 से WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी देश को सदस्यता वापस लेने के एक वर्ष बाद भी उस देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अलावा अमेरिका को WHO के सभी बकाए चुकाने होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका हर साल तकरीबन $400 मिलियन WHO को देता है।
चीन पर सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में रखने के आरोप लगते रहे हैं। अब उइगर मुस्लिमों के दो संगठनों ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ का दरवाज़ा खटखटाया है। ICJ में उइगर मुस्लिमों के केस की पैरवी लंदन के एक वकीलों की टीम करेगी। केस दाखिल करने वाले संगठनों का कहना है कि चीन द्वारा हजारों की संख्या में उइगर मुस्लिमों को कंबोडिया और ताजिकिस्तान से गिरफ्तार कर वापस लाया जा रहा है और उन्हें कानूनी तौर से डिटेंशन कैंप्स में रखा जा रहा है। जिन दो संगठनों ने मामला दाखिल किया है उनमें ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी ETZE और ईस्ट तुर्किस्तान नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट यानी ETNAM का नाम शामिल है। उइगर मुसलमान अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे चीनी सरकार दमन कर रही है। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 1,18,00,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में संक्रमण की रफ्तार और केसों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी बीच अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी MIT की भारत पर की गई स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। MIT के अनुसार अगर अगले साल के शुरुआत तक वैक्सीन नहीं आई तो दुनिया भर में 20 से 60 करोड़ के बीच केस होंगे। वहीं भारत इस दौरान कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश होगा, जहां फरवरी के अंत तक हर दिन 2.87 लाख केस मिल सकते हैं। इसके बाद अमेरिका में 95,000, दक्षिण अफ्रीका में 21,000 और ईरान में 17,000 रोजाना केस मिलने का अनुमान लगाया गया। भारत में अब तक कोरोना 7.43 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। इसमें ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां यह आंकड़ा 2,17,000 के पार है। इंटेजी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह इस पद पर 3 साल तक तैनात रहेंगे। 1983 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्रीनिवास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA में 9 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों में अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के 2, RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA के 1-1 सदस्य होते हैं। इसके साथ ही खोज समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 सदस्यों को शामिल किया जाता है। IFSCA व्यक्तियों और सरकारों को फंड जुटाने की सेवाएं प्रदान करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पनवेल में एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। यह डेटा सेंटर प्राइवेट कंपनी योद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो हीरा नंदानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। इस डेटा सेंटर में 7,200 रैंक होंगे और 50 MW बिजली के साथ 48 घंटे के बैकअप की क्षमता होगी। इस निजी डेटा सेंटर का उपयोग इंजीनियरिंग और रियल इस्टेट के व्यवसायों के लिए किया जाएगा। एक बार इस डेटा सेंटर के शुरू हो जाने के बाद इसमें रैंक की संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि गूगल, फेसबुक से लेकर फ्लिपकार्ट तक हर कंपनी को चलाने में डेटा सेंटर सबसे महत्वपूर्ण होता है। अभी सारा डेटा दूसरे देशों में मौजूद सर्वर पर सेव होता है। इंडिया में डेटा सेंटर होने से इंटरनेट की स्पीड तेज होगी, जिससे रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल सकेगा। MyLab Discovery Solutions Private Limited कंपनी ने Impact X2 नाम से एक कार्ट्रिज आधारित मशीन का निर्माण किया। यह मशीन COVID-19 के कई नमूने स्टोर और परीक्षण करने में सक्षम है। मशीन प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए नमूनों को संभालने और परीक्षण करने की आवश्यकता को कम कर देगी। कॉम्पैक्ट XL एक बेंच टॉप मशीन है, जो 100% भारतीय उपकरणों से भारतीयों द्वारा निर्मित किया गया। साथ ही यह भारत की पहली मशीन है जो COVID-19 के आणविक नैदानिक नमूनों के परीक्षण के लिए आवश्यक मैनुअल प्रयोगशाला संचालन को पूरी तरह से स्वचालित करेगी। यह मशीन RNA और DNA परीक्षण, RT-PCR परीक्षण और प्लाज्मा स्वैब और थूक के नमूनों को स्टोर करने में सक्षम है। इसके द्वारा प्रति घंटे 32 नमूनों को स्टोर और लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर इसकी क्षमता बढ़ाई भी जा सकती है। फिलहाल 8 PM न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को नई दिशा देने के लिए देखते रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।